माय लॉर्ड, विड्रॉन इन लिबर्टी टू फाइल फॉर रिट पिटीशन। माय लॉर्ड, रिट पिटीशन? यस माय लॉर्ड। वो कौन सा जजमेंट है? माय लॉर्ड, गुवाहाटी हाई। आप पेन और पेन का इस्तेमाल करना उचित नहीं समझते? आपको फाइल पे नहीं लिखना चाहिए था। यस माय लॉर्ड। कहाँ है, क्या लिखा? फिर लगे लिए गए, मोबाइल खोलने लगे आप। इट टेक्स टाइम ना। यदि लिखा होता फाइल पे AIR स्वयं से तो जल्दी बता देते आप, याद भी हो जाता आप। यस माय लॉर्ड। कौन सा है? माय लॉर्ड, गुवाहाटी हाई कोर्ट। बोलिए। माय लॉर्ड, करेंटली आई एम नॉट फाइल लाना। लिख के लाना चाहिए फाइल पे। यस माय लॉर्ड। सर कुछ मत करो भैया, पेन वेन जो है कई कंपनियों के आने लगे आजकल, अच्छे अच्छे पेन, एक आध पेन रखिए अपने पास। यस मैम। को लिखा करिए, लिखने की आदत डालिए। अब आपको पता है लेकिन आप बता नहीं पा रहे। देखिए आप एट द आउटसाइड लर्नेड काउंसिल फॉर दी, यही तो है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें रखा हुआ है। पहले कभी किसी ने बताया होगा, चर्चा हुई होगी? माय लॉर्ड, हम ने उसी समय भी दिया था। इट इज लोक अदालत हैव नो जुरिस्डिक्शन, रोल इज टू गाइड। यही 2008 का सुप्रीम कोर्ट है कि अभी वो है इसकी 226-227 एट द आउटसाइड लर्नेड काउंसिल फॉर द इन द लाइट ऑफ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ बेस फॉर विड्रॉल ऑफ दिस अपील, मिसलेनियस अपील विद लिबर्टी टू फाइल रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226/227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर लिखिए, प्रेयर बीइंग रीजनेबल इज एक्सेप्टेड एंड दिस मिसलेनियस अपील इज परमिटेड टू बी विथड्रॉन एंड इज हियरबाय डिस्पोज्ड ऑफ विद द अफोरशेड लिबर्टी पेंडिंग एप्लीकेशन इज एनी। ये दोनों लिख दीजिएगा, 17 का भी और ये दोनों। My let not mention my name also. I'm not in response. आप किसके लिए हैं? Correspondent option. आप नंबर बताना उचित नहीं समझते? एक लॉर्डशिप, नंबर वन लॉर्डशिप। जब ज्यादा रिस्पोंडेंट हुआ करें तो नंबर बताना चाहिए। नहीं समझे? मतलब समझे? एक हो तो मत बोलिए, यदि बोलने में मेहनत ज्यादा होती है तो मत। छह रिस्पोंडेंट हैं और आप एक की तरफ से, आप बोलते ही नहीं है किसके लिए। प्रॉक्सी काउंसिल सीनियर। नहीं नहीं, आपसे सीनियर कौन है? सिद्धार्थ सिंह आए हैं। यस, सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ सिंह एंड यू आर श्री शुभम धगट। शुभम धगट, धगट पांच लिखो, दोनों लिख दी। पब्लिक। माय लॉर्ड, विड्रॉन इन लिबर्टी टू फाइल फॉर रिट पिटीशन। माय लॉर्ड, रिट पिटीशन? यस माय लॉर्ड। वो कौन सा जजमेंट है? माय लॉर्ड, गुवाहाटी हाई। आप पेन और पेन का इस्तेमाल करना उचित नहीं समझते। आपको फाइल पे नहीं लिखना चाहिए था। यस माय लॉर्ड। कहाँ है, क्या लिखा? फिर लगे लिए गए, मोबाइल खोलने लगे आप। इट टेक्स टाइम ना। यदि लिखा होता फाइल पे AIR स्वयं से तो जल्दी बता देते आप, याद भी हो जाता आप। यस माय लॉर्ड। कौन सा है? माय लॉर्ड, गुवाहाटी हाई कोर्ट। बोलिए। माय लॉर्ड, करेंटली आई एम नॉट फाइल लाना। लिख के लाना चाहिए फाइल पे। यस माय लॉर्ड। सर कुछ मत करो भैया, पेन वेन जो है कई कंपनियों के आने लगे आजकल, अच्छे अच्छे पेन, एक आध पेन रखिए अपने पास। यस मैम। को लिखा करिए, लिखने की आदत डालिए। अब आपको पता है लेकिन आप बता नहीं पा रहे। देखिए आप एट द आउटसाइड लर्नेड काउंसिल फॉर दी, यही तो है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें रखा हुआ है। पहले कभी किसी ने बताया होगा, चर्चा हुई होगी? माय लॉर्ड, हम ने उसी समय भी दिया था। इट इज लोक अदालत हैव नो जुरिस्डिक्शन, रोल इज टू गाइड। यही 2008 का सुप्रीम कोर्ट है कि अभी वो है इसकी 226-227 एट द आउटसाइड लर्नेड काउंसिल फॉर द much of a sir much on all of
in the light of decision of Supreme Court in the case of race for withdrawal of this appeal. Miscellaneous appeal with liberty to file writ petition under Article 226/227 of the Constitution of India. Fully ki prayer being reasonable is accepted and this miscellaneous appeal is permitted to be withdrawn and is hereby disposed of with the aforesaid liberty. Pending application is any. ये दोनों लिख दीजिएगा 17 का भी और ये दोनों My let not mention my name also, not in respondent. आप किसके लिए हैं? Correspondent option. आप नंबर बताना उचित नहीं समझते? एक लॉर्डशिप लो, नंबर वन लॉर्डशिप. जब ज्यादा रिस्पोंडेंट हुआ करें तो नंबर बताना चाहिए. नहीं समझे? बस समझे. एक हो तो मत बोलिए. यदि बोलने में मेहनत ज्यादा होती है तो मत. छह रिस्पोंडेंट हैं और आप एक की तरफ से, आप बोलते ही नहीं है किसके लिए. प्रॉक्सी काउंसिल सीनियर. नहीं नहीं, आपके सीनियर कौन है? सिद्धार्थ सिंह आए हैं. यस सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ सिंह एंड यू आर श्री शुभम ढगट. शुभम ढगट ढगट पांच लिखो. दोनों लिख दी. पब्लिक